सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए जो नए स्टूडेंट्स एंटर किए हैं आज, व्हाट इज़ फार्मास्यूटिक्स। तो इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फार्मेसी दैट डील्स विद स्टडी ऑफ फार्मुलेशंस, इट्स मेथड ऑफ प्रिपरेशन अलॉन्ग विद इक्विपमेंट्स यूज्ड इन इट्स मैन्युफैक्चरिंग। तो फार्मास्यूटिक्स क्या है? ब्रांच ऑफ फार्मेसी है जिसमें कि हम फार्मुलेशंस के बारे में स्टडी करेंगे। फार्मुलेशंस का मतलब है कि जैसे टैबलेट्स, कैप्सूल्स, इंजेक्टेबल्स, इनके बारे में हम स्टडी करेंगे, इनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में स्टडी करेंगे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन अलोंग विद इक्विपमेंट्स एंड एडिटिव्स, और उसमें हमने कौन कौन से एडिटिव्स डालने हैं। तो साल के एंड तक फार्मास्यूटिक्स के में आप सभी फार्मुलेशंस के बारे में आपको पता लग जाएगा, आपने उसको कैसे बनाना है, कौन कौन से इक्विपमेंट यूज़ होने हैं और उसमें एडिटिव्स कौन कौन से डालने हैं, उसके बारे में आपको सारा पता लग जाएगा। तो सबसे पहला जो चैप्टर है वो है इंट्रोडक्शन टू डिफरेंट डोजेस फॉर्म। इसमें हम डिफरेंट डोजेस फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। अब डोजेस फॉर्म का मतलब क्या होता है? डोजेस फॉर्म का मतलब कि टैबलेट इज अ डोजेस फॉर्म, कैप्सूल इज अ डोजेस फॉर्म, इंजेक्टेबल इज अ डोजेस फॉर्म। इसके अलावा कौन कौन से डिफरेंट डोजेस फॉर्म्स हैं उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला क्या है, डोजेस फॉर्म के बारे में स्टडी करने से पहले हम सबसे पहले एक ड्रग के बारे में हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज अ ड्रग। अ ड्रग मे बी डिफाइंड एज एन एजेंट, केमिकल एजेंट इंटेंडेड फॉर यूज इन डायग्नोसिस, मिटिगेशन, ट्रीटमेंट, क्योर और प्रिवेंशन ऑफ अ डिजीज इन ह्यूमन बींग और इन एनिमल। तो ड्रग क्या है? कोई भी केमिकल जो कि हम डायग्नोसिस के लिए यूज करते हैं। डायग्नोसिस का मतलब होता है टू डिटेक्ट अ डिजीज, मिटिगेशन मतलब टू रिड्यूस सीवियरिटी, किसी डिजीज की सीवियरिटी को कम करना, उसको हम बोलते हैं मिटिगेट। ट्रीटमेंट, क्योर और प्रिवेंशन, प्रिवेंशन ऑफ ए डिजीज का मतलब है कि किसी डिजीज को होने से पहले ही हम उसको रोक लें, दैट इज प्रिवेंशन ऑफ अ डिजीज। तो ऐसे हर एक केमिकल को हम बोलेंगे ड्रग। सो एनी केमिकल यूज टू ट्रीट अ डिजीज इन राइट डोज इज अ मेडिसिन। हर एक केमिकल जिसको हम राइट डोज में यूज कर रहे हैं टू ट्रीट अ डिजीज उसको हम बोलेंगे मेडिसिन। और जो पॉइजन है इट इज एनी केमिकल विच इज इन एक्सेसिव डोज। कोई भी केमिकल जो हम एक्सेसिव डोज में लेंगे उसको हम बोलेंगे पॉइजन। इसी तरह से एक मेडिसिन, कोई भी मेडिसिन अगर एक्सेसिव डोज में आप लोगे इट विल एक्ट एज अ पॉइजन। एंड पॉइजन इन राइट डोज, पॉइजन इन करेक्ट डोज विल एक्ट एज अ मेडिसिन। देन एवरी डोजेस फॉर्म इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग। डोजेस फॉर्म का मतलब मैंने आपको बताया था टैबलेट, कैप्सूल, टैबलेट्स, टैबलेट कैप्सूल, इंजेक्टेबल्स, जो ये होते हैं सब एक ड्रग का कॉम्बिनेशन होते हैं। जैसे पैरासिटामोल टैबलेट में पैरासिटामोल ड्रग होगी एंड डिफरेंट काइंड ऑफ नॉन ड्रग कंपोनेंट्स, दे आर कॉल्ड एडिटिव्स। किसी भी टैबलेट को बनाने के लिए, पैरासिटामोल टैबलेट को बनाने के लिए उसमें पैरासिटामोल ड्रग तो होगी ही, उसके अलावा उसमें बाइंडिंग एजेंट होंगे, डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट होंगे, कलरिंग एजेंट होंगे, ठीक है, इन सभी को हम बोलेंगे एडिटिव्स। एडिटिव हमें ठीक किसने करना है? पेशेंट को ठीक किसने करना है? ड्रग ने, ड्रग ने उसको ठीक करना है। एडिटिव्स ने क्या करना है? एडिटिव्स आर यूज्ड टू गिव अ पर्टिकुलर शेप टू द फॉर्मुलेशन। कोई टैबलेट, कैप्सूल जो भी आपने बनाया उसको शेप देने के लिए, पर्टिकुलर शेप देने के लिए हम उसमें एडिटिव डालते हैं। दूसरा क्यों डालते हैं, दूसरा रीजन क्या है? टू इंक्रीज स्टेबिलिटी ऑफ द फॉर्मुलेशन। तीसरा है टू इंक्रीज पैलेटेबिलिटी ऑफ द फॉर्मुलेशन।
देन टू इम्प्रूव एलिगेंस, एलिगेंस मतलब अपीयरेंस, उसकी अपीयरेंस को इम्प्रूव करने के लिए भी हम एडिटिव्स डालते हैं। सो डोजेस फॉर्म दोबारा मैं आपको बता देता हूं, एनी फॉर्मुलेशन सच एज टैबलेट, कैप्सूल, सिरप, इंजेक्शन, ऑइंटमेंट, लोशन और एक्सेट्रा, दे आर कॉल्ड डोजेस फॉर्म। इन सभी को हम डोजेस फॉर्म बोलते हैं। अब डोजेस फॉर्म बनाते क्यों हैं हम? अब पैरास्टामोल जो आता है वैसे तो पाउडर की फॉर्म में आता है, लेकिन हम उसकी टैबलेट क्यों बनाते हैं या इंजेक्शन क्यों बनाते हैं? सबसे पहला रीजन है फॉर सेफ एंड एक्यूरेट डिलीवरी, सेफ एंड एक्यूरेट डिलीवरी। क्योंकि जब पाउडर है, पाउडर अगर आप किसी पेशेंट को दोगे तो हो सकता है उसकी डोज वो कम या ज़्यादा खा ले, तो अगर कम खाएगा तो हो सकता है उस ड्रग का इफेक्ट ना हो, या ज़्यादा खाने से क्या नुकसान हो सकता है कि उसकी टॉक्सिसिटी हो सकती है। दूसरा है इजी आइडेंटिफिकेशन फ्रॉम कलर एंड शेप, जैसे कॉम्बीफ्लेम की टैबलेट ऑबलोंग होती है, ऑबलोंग शेप में होती है, पैरासिटामोल की टैबलेट सर्कुलर फॉर्म में होती है, तो अगर दोनों टैबलेट पड़ी हैं तो आप बिना नाम पढ़े ही उसको देख के बता सकते हो कि कॉम्बीफ्लेम कौन सी है और पैरासिटामोल कौन सी है। देन इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम ऑक्सीडेशन एंड हाइड्रोलिसिस ऑफ द ड्रग सब्सटेंस। इसका मतलब क्या है कि आपने ऑक्सीडेशन से बचाना है, जो पाउडर होता है उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, और सरफेस एरिया ज़्यादा होने से क्या है कि पाउडर के ऊपर ऑक्सीजन का इफेक्ट ज़्यादा होगा। इसी तरह से वाटर का इफेक्ट पाउडर के ऊपर ज़्यादा होगा, लेकिन अगर आप टैबलेट बना लेते हो तो द टैबलेट विल प्रोटेक्ट पैरासिटामोल फ्रॉम ऑक्सीडेशन एंड हाइड्रोलिसिस। देन प्रोटेक्ट फ्रॉम गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस में क्या होता है, एसिड होता है और डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। कई पाउडर्स ऐसे होते हैं जो कि स्टमक के गैस्ट्रिक जूस में या एसिडिक मीडिया में वो केमिकल्स खराब हो जाते हैं, तो उन केमिकल्स की टैबलेट बनाकर हम उसके ऊपर कोटिंग कर देते हैं। कोटिंग, हम जो मटेरियल यूज़ करते हैं कोटिंग के लिए उसको हम बोलते हैं CAP, कैप, CAP, सी फॉर सेलुलोस, ए फॉर एसीटेट, पी से थैलेट, सेलुलोस एसीटेट थैलेट। ये जो सेलुलोस एसीटेट थैलेट होता है ये एसिडिक मीडियम में डिजॉल्व नहीं होगा, तो आपकी जो टैबलेट है जो कि कैप से कोटेड है वो स्टमक के एसिडिक मीडियम में डिजॉल्व नहीं होगा और टैबलेट चली जाएगी आपकी इंटेस्टाइन में, इंटैक्ट फॉर्म में इंटेस्टाइन में चली जाएगी। इंटेस्टाइन में आपको पता है पीएच होती है अल्कलाइन, और ये जो कैप मटेरियल है CAP, कैप मटेरियल अल्कलाइन मीडियम में डिजॉल्व हो जाता है, और इसका मतलब वो टैबलेट इंटेस्टाइन में जाके वो डिजॉल्व हो जाएगी, और डिजॉल्व होने के बाद वो सारे की सारी टैबलेट डिसइंटीग्रेट होकर ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाएगी, और जब वो ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाएगी तो ब्लड के थ्रू इट विल गो टू साइट ऑफ एक्शन, जहाँ इसने एक्ट करना है वहाँ जाएगी और पेशेंट को ठीक कर दे। देन टू कंसील बिटर, सॉल्टी एंड ऑब्नॉक्शियस टेस्ट। कई पाउडर ऐसे होते हैं जिनका टेस्ट कड़वा होता है या सॉल्टी होता है या अनडिज़ायरेबल होता है, तो हम क्या करते हैं उसकी टैबलेट बनाकर उसको कोट कर देते हैं या कैप्सूल में उसको पैक कर देते हैं, उससे क्या होता है उसका बिटर टेस्ट, सॉल्टी, ऑब्नॉक्शियस टेस्ट जो है वो मास्क हो जाता है। कंसील का मतलब है मास्क। देन इंसर्शन ऑफ ड्रग्स इनटू बॉडी कैविटीज। जनरली आप टैबलेट खाते हो थ्रू ओरल रूट, लेकिन कई बार क्या होता है कि जैसे आपको बताया कि एंटेरिकोटी टैबलेट बनाते हैं क्योंकि मेडिकामेंट स्टमक में डैमेज हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो ऐसी टैबलेट को आप टैबलेट ना बना के आप उसको इंजेक्शन फॉर्म में भी दे सकते हो या स्पोस्ट्री की फॉर्म में भी दे सकते हो। तो स्पोस्ट्रीज क्या हैं? दीज आर टैबलेट्स विच आर इंसर्टेड इनटू बॉडी कैविटीज। बॉडी कैविटीज कौन सी?
जैसे रेक्टम में इंसर्ट कर दी या वेजाइना में इंसर्ट कर दी। देन प्रोवाइड ऑप्टिमम ड्रग एक्शन थ्रू इनहेलेशन थेरेपी। इनहेलेशन का मतलब क्या है? थ्रू नोज। अगर आप चाहते हो कि किसी ड्रग का इफेक्ट डायरेक्टली लंग्स में हो जाए या नोज में रिक्वायर्ड है, तो आप कोशिश करोगे कि वो डायरेक्टली इनहेल कर लें। हम इनहेल कर लें, इनहेल करने से क्या है, वो ड्रग डायरेक्टली लंग्स में जाएगी या नोज में अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी। देन मैक्सिमम ड्रग एक्शन वाय टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन। टॉपिकल का मतलब होता है ऑन द स्किन, टॉपिकल का मतलब है ऑन द स्किन। सो टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन, कई बार क्या होता है स्किन के ऊपर कोई इन्फेक्शन हो जाती है, तो अगर आप टैबलेट खाओगे तो वो टैबलेट सबसे पहले तो जाके डिसइंटीग्रेट होगी स्टमक में, 5 से 10 मिनट लग जाएंगे उसको, फिर डिजॉल्व होगी, डिजॉल्व होने में भी 5 से 10 मिनट लग जाएंगे, उसके बाद वो ब्लड में एब्जॉर्ब होगी, एब्जॉर्ब होकर वो ब्लड के थ्रू जाएगी साइट ऑफ एक्शन पर, तो इस सारे प्रोसेस में आधा घंटा लग सकता है। ठीक है, इस सारे प्रोसेस में आधा घंटा लग सकता है। तो इसलिए अगर आप डायरेक्टली वो ड्रग टॉपिकल स्किन के ऊपर लगा देते हो तो विद इन 5 मिनट्स उसका इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाएगा। अगर आप इनहेलेशन से लेते हो तो विद इन 5 मिनट्स उसका इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको फायदा है कि इनहेलेशन थेरेपी से या डायरेक्टली आप अगर स्किन के ऊपर अप्लाई करते हो। देन क्लासिफिकेशन ऑफ डोजेस फॉर्म, कि कौन कौन सी डोजेस फॉर्म्स हैं। सबसे पहली है सॉलिड, सेमी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। जो सॉलिड है इसमें दो तरह की होती हैं, यूनिट डोजेस फॉर्म एंड बल्क डोजेस फॉर्म। यूनिट का मतलब है वन एट ए टाइम और वन एज अ होल। जैसे टैबलेट है, आपको पूरी टैबलेट इकट्ठी खानी है एक ही बार में, कैप्सूल आपने तोड़ के नहीं खाना, इकट्ठा ही खाना है। सो दैट इज यूनिट डोजेस फॉर्म। बल्क डोजेस फॉर्म का मतलब है विच इज सप्लाइड इन लार्ज क्वान्टिटी। ठीक है, जैसे इनो पाउडर आता है, इनो पाउडर बल्क फॉर्म में भी आता है और शैशे में भी आता है। तो बल्क पाउडर में क्या है कि आपको इकट्ठा एक चम्मच लेना है, उसमें से पानी में डालना है और फिर कंज्यूम कर लेना है। दैट इज बल्क डोजेस फॉर्म। डस्टिंग पाउडर, जैसे आप कोई डस्टिंग पाउडर पॉन्ड्स का पाउडर यूज करते हो सपोज, तो ये डस्टिंग पाउडर जो हमने स्किन के ऊपर स्प्रिकल करना होता है, डस्टिंग पाउडर उसको बोलते हैं, तो ये भी बल्क फॉर्म में आता है। ठीक है, बल्क फॉर्म में आता है ये। देन है दूसरा है सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म। सेमी सॉलिड मीन्स जिनकी प्रॉपर्टी सॉलिड और लिक्विड के बीच में है, सेमी सॉलिड, जैसे क्रीम, पेस्ट, जेल्स एंड स्पोज। सो दीज कम इन द कैटेगरी ऑफ सेमी सॉलिड ऑइंटमेंट्स। ठीक है, इनकी जो प्रॉपर्टी है सेमी सॉलिड की, इट इज इन बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड। थर्ड है लिक्विड। लिक्विड में है मोनोफेजिक एंड बाईफेजिक, दो अलग अलग आते हैं। मोनोफेजिक का मतलब है ओनली वन फेज, जो दिखने में लगे कि सिर्फ सॉल्यूशन ही है, जैसे सिरप है, सिरप इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ शुगर एंड वाटर, लेकिन आपको शुगर नजर नहीं आएगी, आपको खाली वाटर नजर आएगा। या कोई सॉल्यूशन है जैसे सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है, तो आपको अगर सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन बना होगा तो आपको मोनोफेजिक नजर आएगा, उसमें आपको सोडियम क्लोराइड नजर नहीं आएगा। बाईफेजिक का एग्जाम्पल है जिसमें दो फेजेस होते हैं, वो एग्जाम्पल है इमल्शन एंड सस्पेंशन। इमल्शन में क्या होता है, ऑयल एंड वाटर दोनों इमिसिबल है एक दूसरे के बीच में। तो जब आप उनको शेक करोगे तो जो ऑयल है वो वाटर में डिस्पर्स हो जाएगा, डिजॉल्व नहीं होगा, डिस्पर्स हो जाएगा, और दो फेज आपको डिफरेंट नजर आएंगे, इसलिए हम उसको बोलते हैं बाईफेजिक। या सपोज आपने वाटर में कोई ऐसी ड्रग डाल दी जो उसमें डिजॉल्व नहीं हो रही है, तो उसमें आपको वो सस्पेंशन की फॉर्म में नजर आएगा। जब आप उसको शेक करोगे तो सस्पेंडेड पार्टिकल्स आपको अलग से नजर आएंगे, तो उसको हम बोलेंगे बाईफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म। दो तरह की है, इमल्शन एंड सस्पेंशन। फिर है गैस। गैस में जैसे इनहेलर आता है या एरोसोल्स आता है, दो है। एस्थलीन इनहेलर आता है मार्केट में,
उसमें आपने क्या करना है, उसके वेपर्स को इनहेल करना है। दूसरा है एरोसोल्स, एरोसोल्स जैसे परफ्यूम आते हैं, आप उसको क्या करते हो, स्प्रे कर देते हो बॉडी के ऊपर एरोसोल्स। तो ये दो तरह की गैसियस गैसियस फॉर्म है, इनहेलर्स एंड एरोसोल्स। तो सबसे पहला है सॉलिड डोजेस फॉर्म। तो सॉलिड डोजेस फॉर्म दे आर अवेलेबल मोस्टली इन यूनिट डोजेस फॉर्म सच एज टैबलेट्स, कैप्सूल्स, पिल्स, कैचेस एंड पाउडर। दे आर ऑफ सॉलिड इन नेचर, सॉलिड है। व्हेन ड्रग्स आर टू बी एडमिनिस्टर ओरली इन ड्राई स्टेट, टैबलेट्स एंड कैप्सूल आर मोर कन्वीनियंट डोजेस। कन्वीनियंट क्यों है कि आपने टैबलेट या कैप्सूल को खाया और पानी के साथ आप स्वेलो कर गए उसको, दे आर कन्वीनियंट। अगर आप पाउडर फॉर्म में लोगे, 5 ग्राम पाउडर आप खाते हो, तो उसका जो पानी के साथ जैसे आप खाओगे सारा का सारा पाउडर मुंह में स्प्रेड कर जाएगा और उसका आपको बिटर टेस्ट जो है आपके मुंह के टेस्ट को खराब करेगा। अब सबसे पहली जो डोजेस फॉर्म है, सॉलिड डोजेस फॉर्म, वो है डस्टिंग पाउडर। इसको हम डस्टिंग पाउडर क्यों बोलते हैं, बिकॉज इट इज टू बी स्प्रिकल्ड ओवर द बॉडी, स्प्रिकल्ड ओवर द बॉडी डस्टिंग पाउडर। जैसे मैंने आपको बताया पॉन्ड्स डस्टिंग पाउडर आता है मार्केट में, तो आपने पॉन्ड डस्टिंग पाउडर अपनी बॉडी के ऊपर स्प्रिकल कर लेते हो, ठीक है ना। पॉन्ड डस्टिंग पाउडर के ऊपर एक सिफ्टर टॉप लगी होती है, ठीक है ना, सिफ्टिंग डिवाइस लगा होता है, छोटे छोटे होल्स होते हैं उसमें से, ताकि पाउडर जो है स्प्रेड हो जाए आपकी बॉडी के ऊपर। अब डस्टिंग पाउडर मेडिकेटेड भी हो सकते हैं, नॉन मेडिकेटेड भी हो सकते हैं। नॉन मेडिकेटेड डस्टिंग पाउडर जैसे मैंने आपको बताया सिंपल पाउंड्स पाउडर, दैट इज नॉन मेडिकेटेड। दूसरा है मेडिकेटेड नाइसिल, जो है मेडिकेटेड डस्टिंग पाउडर है नाइसिल, ठीक है। या जैसे कैंडिड है, कैंडिड मेडिकेटेड डस्टिंग पाउडर है क्योंकि इसमें मेडिसिन भी डाली गई है, इट इज ए मेडिकेटेड। तीसरा है सर्जिकल डस्टिंग पाउडर। सर्जिकल डस्टिंग पाउडर का मतलब है कि सर्जरी के बाद सपोज आपने कट लगाया कहीं या स्टिचेस लगे हुए हैं, तो उसके ऊपर आपने वो डस्टिंग पाउडर डालना है, सर्जिकल डस्टिंग पाउडर बोलते हैं हम इसको। और ये स्टराइल डस्टिंग पाउडर होता है, ठीक है। स्टराइल क्यों, क्योंकि आपने कट के ऊपर लगाना है, स्टिचेस के ऊपर लगाना है, तो ये स्टराइल डस्टिंग पाउडर होता है, ठीक है। तो ये हो गया डस्टिंग पाउडर। डस्टिंग पाउडर जो बनाते हैं हम, इसमें जो पाउडर यूज किया जाता है वो बहुत ज्यादा फाइन होता है, इट इज अ फाइन स्टेट। फाइन हम क्यों रखते हैं, ताकि जब हम बॉडी के ऊपर स्प्रिकल करें तो ग्रिटीनेस की फीलिंग ना आए। ग्रिटीनेस का मतलब क्या है कि रड़क ना लगे। जैसे सपोज आप सैंड अपने बॉडी के ऊपर स्प्रिकल कर लो अगर सैंड, तो क्या होगा, आपको खुरदरा सा लगेगा वो, ठीक है ना, खुरदरा लगेगा। लेकिन अगर फाइन पाउडर है तो बॉडी के ऊपर स्प्रे करोगे तो वो खुरदरा नहीं लगेगा। इसलिए जो हम डस्टिंग पाउडर यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं फाइन पाउडर, ठीक है। दूसरा है इंसफ्लेशंस क्या है, दीज आर द डस्टिंग पाउडर्स मेंट फॉर इंट्रोडक्शन इनटू बॉडी कैविटीज। बॉडी कैविटीज विद एन अपरेटस कॉल्ड इंसफ्लेटर। अब बॉडी कैविटीज कौन कौन सी हैं, इट कैन बी नोज, इट कैन बी ईयर, ठीक है, इट कैन बी रेक्टम, इट कैन बी वेजाइना, ठीक है, इट कैन बी एनीथिंग आउट ऑफ दीज। सो इंसफ्लेशंस क्या है, दीज आर द पाउडर्स मेंट फॉर इंट्रोडक्शन इनटू बॉडी कैविटी। और ये जो डिवाइस साथ में बना हुआ है, ठीक है, इस डिवाइस को हम बोलते हैं इंसफ्लेटर। इस इंसफ्लेटर का फायदा क्या है, ये बॉडी कैविटीज में इस नोजल से हम जो पाउडर है वो बॉडी कैविटीज में हम इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद है स्नफ्स क्या है, दीज आर फाइनली डिवाइडेड फॉर्म ऑफ मेडिसिन विच आर
इनहेल्ड इन टू नोस्ट्रिल्स, नाक में इनहेल करना है आपने, जैसे पाउडर लिया थोड़ा सा नोज के अंदर इनहेल कर लिया, किस पर्पज के लिए, फॉर इट्स एंटीसेप्टिक एक्शन, ब्रोंकोडायलेटर एक्शन एंड डीकंजेशन एक्शन, ठीक है।